दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिग बिलियन डेज चल रहा है फ्लिपकार्ट पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो आपको एकदम ऑफर में मिल रहे हैं, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल रहे हैं। तो मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है यार, काफ़ी समय देके मैंने इसको लिस्ट को बनाया है, जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। तो डिटेल में बताऊँगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। आपका जो भी बजट है, उस बजट में स्मार्टफोन यहाँ पर अवेलेबल है उस लिस्ट में, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। और कुछ डिस्कस भी करेंगे हम कि कौन सा स्मार्टफोन उस बजट में एकदम बेस्ट रहेगा। तो सब कुछ बताऊँगा डिटेल में आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यार ये जो है टाइम एकदम बेस्ट है, क्योंकि यहां पर अभी जो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज की जो सेल चल रही है, ऑफर चल रही है, उसमें काफ़ी सारे यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन भी अवेलेबल हैं अभी। तो आपको SBI का कार्ड नॉर्मली सबके पास होता है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो उसमें आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यार ये तो मतलब एक अच्छी बात होगी कि ऑलरेडी डिस्काउंट है, उसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो लिस्ट मैंने बनाई है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको कहाँ मिलेगी। एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, जो कि हमारी खुद की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जो वेबसाइट पर जाएंगे rpmtechtips.com पर, तो वहाँ पर जो लास्ट पोस्ट है वो यही है, तो उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपको दिखाई देगी, यहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है और एक PDF ओपन हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली आप व्यू फुल स्क्रीन पर क्लिक करिएगा तो ये व्यू फुल स्क्रीन यानी कि पूरे पेज पर ओपन होने लग जाएगा, अगर आप लैपटॉप में हैं तो। अगर आप मोबाइल में हैं तब भी ये इसी तरह से ओपन होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नॉर्मली इसी तरह से ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पर सारी लिस्ट मिल जाएगी, 7,000 से लेके 1,00,000 तक के यहाँ पर फ़ोन अवेलेबल है, जो कि अभी डिस्काउंट में मिल रहे हैं, जिनकी वैल्यू 1,00,000 है, जबकि अभी वो 80,000 में मिल रहे हैं सिर्फ, तो 20,000 तक का डिस्काउंट है। तो देखिए, ये आपको इस तरह की एक PDF फाइल मिलेगी, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि मैं जूम करके बताता हूँ यहाँ पर आपको कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रियलमी C1 जो है स्मार्टफोन, ये आपको सिर्फ अभी की प्राइस में अगर हम बात करें तो 6,500 रुपये में मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये इसकी MRP है 9,000 रुपये, बट अभी ये 6,500 रुपये में आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या अच्छा आपको देखने को मिलता है, तो 5,000 mAh की बैटरी है और बजट का तो फ़ोन है ये, और 13 MP का ड्यूल कैमरा है। तो आप जैसे कि आप प्रोडक्ट लिंक देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्लिक हियर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये फ़ोन के यहाँ पर जो है बाय पेज पे आपको पहुँचा देगा फ्लिपकार्ट के। तो इसी तरह से सारे आप जो है ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब मेरी यहाँ पर सजेशन माने तो आप सारे फ़ोन मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने हर बजट के हर फ़ोन को यहाँ पर इंक्लूड किया है, बट सारे फ़ोन ऐसे नहीं है कि आप सारे जो है कोई सा भी इनमें से फ़ोन ले सकते हैं, सभी पे आपको डिस्काउंट है और सभी वैल्यू फॉर मनी है, सभी वैल्यू फॉर मनी है। बट अगर आप कोई भी फ़ोन देख रहे हैं कि यार 7,000 के अंदर कोई फ़ोन लेना चाहते हैं, तो ये सारे फ़ोन में से आपको एकदम बेस्ट मेरी चॉइस में बता देता हूँ कि इस बजट में से मेरी चॉइस कौन सी होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर 7,000 में मेरी चॉइस होगी C1, जो कि एकदम बेस्ट है, 6,500 में मिल रहा है। अगर हम बात करें 7,000 से 10,000 के बजट में, तो मेरी यहाँ पर चॉइस होगी Poco M2। जी हाँ, Poco M2 Pro नहीं, Poco M2 की बात कर रहा हूँ, जो कि 10,000 में मिल रहा है यार, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 6 GB की रैम के साथ आता है। ये सबसे अच्छी बात है कि 6 GB की रैम और फुल HD+ डिस्प्ले के साथ में आता है और 10,000 में सिर्फ मिल रहा है। तो इस बजट में मेरा Poco M2 फिक्स हो गया। उसके अलावा हम बात करें 10 से 15,000 में, तो 10 से 15,000 में यार काफ़ी कड़ी टक्कर है, मतलब मैं किसको इंक्लूड करूँ किसको नहीं करूँ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि Realme 7i भी इसमें अच्छा है, Samsung F41 भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इन दोनों में काफ़ी कड़ी टक्कर है। बट अगर अच्छा कैमरा आपको चाहिए तो टॉप में Realme 7i ही आने वाला है। इसकी अनबॉक्सिंग बहुत जल्द चैनल पर आने वाली है, ये मैं खुद फ़ोन जो है वो परचेस करने वाला हूँ, जो कि अभी 12,000 रुपये में आपको मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, तो आप ये भी देख सकते हैं। बाकी Poco M2 Pro भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ये भी आप देख सकते हैं। ये तो तीनों फ़ोन में काफ़ी जो है टक्कर है। अब तीनों फ़ोन में से आपको चूज़ करना है कि कौन सी कंपनी का लेना है, रियलमी का लेना है, सैमसंग का लेना है, या शाओमी या फिर रेडमी का लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, जो रियलमी और रेडमी यानी कि Poco M2 Pro या Realme 7i जो है, दोनों में लगभग सेम स्पेसिफिकेशन है, और सैमसंग की तो बात ही अलग है, क्योंकि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 7,000 mAh की बैटरी के साथ, 64 MP का कैमरा, तो सैमसंग भी आप ले सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। उसके अलावा हम बात करें जो कैटेगरी आती है हमारी 15 से 25,000 रुपये, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन अवेलेबल है, जो कि एक ऐसा फ़ोन अवेलेबल है जो फ्लैगशिप लेवल का है, यानी कि LG G8X वाला जो फ़ोन है, 70,000 का फ़ोन था यार, वो 20,000 में मिल रहा है यार, सोचिए 20,000 में। स्नैपड्रैगन का 855 इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है और 20,000 में मिल रहा है। बट यार मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये परचेस कर लो, क्योंकि ये इतना भी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन नहीं है,
काफ़ी सारे ऐसे फीचर हैं जो इसमें नहीं है और ये आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आप इसके अलावा जो फ़ोन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा वो है रियलमी का 7 प्रो, जो कि आप देख सकते हैं 20,000 में, और पोको X3 अगर आपका बजट यही कोई 17-18,000 है तो ये भी आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी 20,000 का है, 20,000 का बजट है, तो 20,000 में तो ये तो एकदम बेस्ट होगा। परफॉर्मेंस के हिसाब में अगर हम बात करें तो ये एकदम बेस्ट होगा वैल्यू फॉर मनी LG का। बट मेरा सजेशन ये है कि मैं होता तो ये वाला नहीं लेता, मैं होता तो रियलमी 7 प्रो ही लेता, क्योंकि वो उसमें भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 65W का फास्ट चार्जर साथ में देखने को मिलता है। अगर हम 25,000 से ज़्यादा की बात करें तो आपका बजट है इतना सारा, तो यार एप्पल के फ़ोन आते हैं फिर तो एकदम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। वन प्लस भी आता है, बट वन प्लस को मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि पता नहीं क्यों इंक्लूड नहीं किया है, मुझे वो फ़ोन अच्छा नहीं लगते। वन प्लस का फ्लैगशिप किलर था वो, बट अब खुद ही फ्लैगशिप बन गया है, तो उसने किलर जो है फ्लैगशिप किलर को ही किल कर दिया, तो इसलिए मुझे वो फ़ोन पसंद नहीं आते, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड ही नहीं किया है यहाँ पर। बट एप्पल का XR आपको मिल रहा है सिर्फ 37,000 रुपीज़ में, एक एप्पल आईफोन SE मिल रहा है यहाँ पर आपको 26,000 रुपये में, और सैमसंग S20 Plus मिल रहा है आपको 50,000 में, एप्पल आईफोन 11 प्रो मिल रहा है आपको 80,000 रुपये में। बट यार ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इनमें से आप कोई भी फ़ोन लें, क्योंकि लगभग आपकी नीड जो है वो फुलफ़िल, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये जो फ़ोन है 15,000 से 25,000 वाले उनमें फुलफ़िल हो जाएगी। बट अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो इनमें से देख सकते हैं जो अभी ऑफ़र में चल रहे हैं करेंटली, इन सब पे जो है यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा SBI की तरफ से, वो आप ले सकते हैं। तो यही सारे फ़ोन हैं अभी जो आपको मिल रहे हैं, आपको लेना कैसे है मैंने बता दिया है, जाना है लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप उस लिंक के थ्रू क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और सामने आपको लिखा है प्रोडक्ट लिंक, ये प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, अफिलिएट लिंक है यहाँ पे, आपको जो है अगर आप इनमें से कोई सा भी फ़ोन लेंगे तो थोड़ा बहुत कमीशन मुझे मिलेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है आपको, उसमें से कुछ भी लूज़ नहीं होगा मतलब। तो राइट क्लिक करके आप ओपन लिंक इन न्यू टैब पे करेंगे, तो जैसे कि आप मैंने लिंक ओपन किया तो देखिए यहाँ पर फ़ोन जो है वो ओपन हो गया है, रियलमी C12, और जो कि अभी मिल रहा है 9,000 रुपये में, 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है, जो कि SBI का ऑफर भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बस यही था इस वीडियो में, ये आपको लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप लिंक दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो लैपटॉप की लिस्ट भी मोस्ट प्रोबेबली बन गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट लंबी है, बस इसको PDF में या वेबसाइट में डालना बाकी है, वो पूरा अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, और उसका थोड़ी देर में वीडियो भी आने वाला है। गेमिंग लैपटॉप अलग किए हैं मैंने, बेसिक वाले लैपटॉप अलग किए हैं, तो दोनों की अलग अलग लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो कि अभी फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहे हैं, और काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं यार, ट्रस्ट मी। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो इससे बढ़िया टाइम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, तो ये एकदम बढ़िया टाइम है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेने का, तो आप जरूर से जो है फ़ोन अगर लेना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, लैपटॉप का वीडियो कुछ ही देर में आने वाला है। सो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।